हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारी इस हिंदी साहित्य की ये सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी तक दो लेक्चर आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल। देखो, हिंदी साहित्य को कालों में विभाजित किया गया। जैसे कि हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में हम विभाजित करते हैं। इतिहास की एक अंतर्दृष्टि पैदा होती है कालों की दृष्टि से। उसी तरह से हम ज्योग्राफी के संदर्भ में देखेंगे, भूगोल के संदर्भ में देखेंगे तो हमें पता होगा कि इसकी इसका जो पहला चरण होता है वो प्री कैम्बियन काल से शुरू होता है। और हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे तो इसका भी काल विभाजन हुआ है वैज्ञानिक रूप से। हालांकि कई तरह के हिंदी साहित्यकार थे, हिंदी इतिहासकार थे, उनका अपना अपना अलग मत था, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी एक प्रामाणिक रूप से बात करें तो आदिकाल का जो समय था वो 1050 से लेकर 1375 का समय था। तो इसे आदिकाल क्यों कहा गया आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यह हिंदी साहित्य का एक पहला चरण था काल की दृष्टि से, और ये इतिहास का पहला चरण था। आदिकाल के बाद भक्ति काल आएगा, भक्ति काल के बाद फिर रीति काल आएगा। इस तरह से अलग अलग हिंदी साहित्यकारों ने, हिंदी इतिहासकारों ने इसे विभाजित किया है। तो अभी हम यही समझते हैं कि आदिकाल का नामकरण देने का पहला उद्देश्य तो यही था, क्योंकि यह सबसे पुराना काल है। एक तरह से बीज पल्लवित होता है उस प्रकार का ये काल है। यहीं से शुरुआत होती हिंदी साहित्य के लेखन की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला चरण आदिकाल ही था। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपने देख लिया, 1050 से लेकर 1375 का काल। इस काल में अधिकतर हम देखेंगे तो रासो साहित्य की ही रचना हुई है। रासो साहित्य रास शब्द से बना है, जिसमें हम देखेंगे कि अधिकतर वीरता और श्रृंगार की प्रधानता रही है। वीरता से आप समझ सकते हैं युद्ध और श्रृंगार से आप समझ सकते हैं प्रेम। तो आदिकाल में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि वीरता और श्रृंगार का महत्व अधिक रहा है। और साथ ही हम देखेंगे कि इसमें जो इतिहास का जो दृष्टिकोण था वो उस दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में यह सही नहीं है। कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, कई तरह की तिथियों घटनाओं में फेरबदल है। तो हम आदिकाल को इस तरह से समझ सकते हैं कि आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला चरण था और इसी से शुरुआत हुई थी हिंदी साहित्य की। अब जानते हैं हिंदी साहित्य के विकास की यात्रा रासो साहित्य से शुरू हो गई थी, जो कि आदिकाल में कहीं ना कहीं उसकी एक एक तरह से मूल आदिकाल को हम देखना चाहें तो रासो साहित्य में आदिकाल की विकास यात्रा हमें देखने को मिलती है। अब आदिकाल की विशेषता क्या क्या थी और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या थी उसे हम जानेंगे। देखिए, आदिकाल के साहित्य में उस समय के तत्कालीन परिस्थिति और वातावरण की झलक हमें देखने को मिलती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रासो साहित्य, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ कहीं ना कहीं आदिकाल के पूरे आदिकाल में अपने देखने मिलेगी। अब हम बात करते हैं आदिकाल की विशेषता क्या क्या है। देखो, आदिकाल की एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि कहीं ना कहीं इसमें ऐतिहासिकता का अभाव था। इसे इस तरह समझें कि जब कोई ग्रंथ की रचना हुई, उसका वर्णन हुआ, तो उसकी जो तिथि थी, उसकी जो नामावली थी, उसकी जो घटनाएं थी, वो कहीं ना कहीं तत्कालिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाती थी। तो यहाँ हम इस तरह समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर इस काव्य आदिकालीन काव्यों में कहीं ना कहीं हमें सावधानी नहीं दिखती है, सावधानी नहीं बरती गई है, और भ्रामक तथ्यों का, भ्रामक कल्पनाओं का वर्णन करने की कोशिश की गई है। तो इसे इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर कल्पना अधिक है, तथ्य की प्रधानता कम है। जो कवि थे वो चारण कवि थे। चारण कवि उन कवियों को कहा जाता है जो युद्ध में सम्मिलित होने के साथ युद्ध का आंखों देखा वर्णन करते थे, वह चारण कवि थे। क्योंकि चारण कवि की एक भूमिका यह भी रहती थी कि वे युद्ध को सपोर्ट करते थे, युद्ध को मोटिवेट करते थे, और साथ ही साथ युद्ध के सेनानायक, सेनापति के रूप में भी भूमिका निभाते थे। तो एक मल्टीपल व्यक्तित्व के धनी थे चारण कवि। और चारणों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि किसी भी चीज़ को वो एक तरह से छंदों के माध्यम से और उनकी कल्पनाओं के माध्यम से अतिशयोक्ति का वर्णन अधिक करते थे। और ये कहीं ना कहीं तिथियों और घटनाओं के, इनके जो मेल हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं
युद्ध वर्णन की सजीवता। इससे हम यह समझ सकते हैं, यह भी आदिकाल की एक विशेषता है, युद्ध वर्णन की सजीवता। और इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो चारण कवि थे वो युद्ध में खुद भी जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने राजा को, अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए अपने छंदों के माध्यम से, अपने उक्तियों के माध्यम से प्रोत्साहित करते थे, आंखों देखा वर्णन करते थे। हालांकि लेखन कौशल में ये इतने कौशल के रूप में नहीं उभरे, लेकिन इनकी जो छंद रचनाएं थी वो वीरता को प्रोत्साहित करती थी, और अतिशयोक्ति से इंसान लबरेज हो जाते थे उस समय के काल परिस्थिति के अनुसार। जो वीरों की जो मूल प्रवृत्ति थी वह कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है आदिकालीन साहित्य में और आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में। एक इम्पोर्टेंट विशेषता यह भी है कि इसमें कहीं ना कहीं संकुचित राष्ट्रीयता थी। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत किया गया है, यानी कि आपको एक छंद, एक उक्ति की बात जिससे मैं समझाना चाहता हूँ कि 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस सिय जियार, 18 क्षत्रिय जिए तो जीवन को धिक्कार। इस तरह की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं वीरता और मर मिटने की जो भावना थी वो उनके प्रदेश, उनके क्षेत्र के स्तर पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसका विकास हमें देखने को नहीं मिलता है। उस समय के राजे रजवाड़े छोटे 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 तबकों में बटे हुए थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, और वे एक दूसरे के राज्यों की ही रक्षा करते थे। पड़ोसी राज्यों की अगर कोई विपत्ति आती थी तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते थे। तो इनका सीधा सा यही था कि इनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। यही चीज़ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ विदेशी आक्रांता आते गए और भारत को अखंड नहीं रह सका, ये खंड खंड हुआ और विदेशी आक्रांताओं ने इसे अपने कब्जे में किया। अब आदिकालीन साहित्य में एक विशेषता यह भी देखी जा सकती है कि उस समय जो आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी, जो चारण कवि थे वो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे। राजा में लाख कमियां हो फिर भी उसको खुश करने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण अपने छंदों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से राजा को प्रशंसा करते थे, राजा के राज्यकाल की प्रशंसा करते थे। इस तरह से कहीं ना कहीं कृपा पात्र पर आधारित थे। पृथ्वीराज सो को देखेंगे तो इसमें भी आपको अतिशयोक्तिपूर्ण छंद मिलेंगे। महाकाव्य की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह ग्रंथ। इस तरह से परमाल रासों में भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगी। अब हम बात करते हैं आदिकालीन की एक विशेषता, हमें एक इम्पोर्टेंट विशेषता यह भी है कि वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। देखो, रासों ग्रंथों में सभी रसों का समावेश हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मिलेगा तो वीर और श्रृंगार रस। वीर रस वीरता से, युद्ध से लबरेज है, और श्रृंगार रस प्रेम, केली क्रीड़ा और रतिक्रिया से लबरेज है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें रासो साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या था, राजा चारण कवि इसलिए भी रखते थे क्योंकि वो राजा को, वहाँ के जो युद्ध लड़ने वाले वीरों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते थे, और इस तरह के कवि के द्वारा, अपने दोहों के द्वारा पूरी आवाम को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते थे। तो आदिकालीन प्रवृत्ति की विशेषता यह भी है कि उस समय वीरता और श्रृंगार अपने चरम पर थी। छंदों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर विविध प्रकार के छंद प्रयोग किए गए हैं। पृथ्वीराजों में बहुत सारे छंदों की बौछार देखने को मिलेगी आपको, जिसमें दोहा है, गाथा है, पदरी है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह के छंद प्रयोग किए गए थे। दोहा है, गाथा है, पदरी है, तोमर है, टोटक है, रोला है, उल्लाटा है, कुंडलिया है, बहुत सारे छंद हैं जिनको आप जानेंगे भी और उनके प्रयोग को भी समझेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि इस तरह के छंदों का प्रयोग भी आदिकालीन रासो साहित्य में किया गया है, और ये आदिकालीन साहित्य की विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। अब ये जो ग्रंथ है रासो साहित्य के अंतर्गत, उसमें अधिकतर भाषा का प्रयोग डिंगल और पिंगल किया गया है। देखो, तो डिंगल भाषा ऐसी भाषा जिसमें राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रण हो वो डिंगल, और जिस भाषा में अपभ्रंश और ब्रज का मिश्रण हो वो पिंगल, तो दोनों ही रूपों में हमें देखने को मिलती है। अधिकतर जो भाषा है वो आपको, जो पछिरा रासो है वो पिंगल में मिलेगी आपको। तो पिंगल और डिंगल दोनों का प्रयोग रासो साहित्य में बराबर किया गया है। इस तरह से हमने देखा कि ये जो आदिकालीन साहित्य है इनकी विशेषता इन सभी बिंदुओं पर टिकी है। अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य में जो
आदिकाल में भी बहुत सारे अलग अलग साहित्य रचे गए, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, विद्यापति के साहित्य और कई तरह की चीज़ें हमें और देखने को मिलेगी रासू साहित्य के अंतर्गत। तो कल के लेक्चर में फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक से अधिक इसको सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, नेट JRF के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ PGT PGT के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।